जैसे जैसे डिलीवरी का समय नज़दीक आता है तो महिलाओं की टेंशन बढ़ना शुरू हो जाती है, और नौवा महीना आपका जैसे स्टार्ट होता है तो आप समझ लो कि आपको कभी भी लेबर पेन आ सकता है। अब आपको लेबर पेन आ जाता है तो क्या होता है, हड़बड़ी टाइप की मस्ती, आपको हॉस्पिटल जाने की जल्दी होने लगती है, और वैसे भी होना भी चाहिए क्योंकि जब डिलीवरी के कुछ भी सिम्टम आपको नज़र आते हैं तो आपको समय चलते हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो ऐसे में फिर क्या होता है कि आप डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जा रहे हो तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं साथ ले जाना, जिससे कि जब आपकी हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, क्योंकि हॉस्पिटल में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं बच्चे से जुड़ी हुई, आपसे जुड़ी हुई, जिनकी नीड आपको हॉस्पिटल में होती ही होती है। तो आज के इस वीडियो में वही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं बताने वाली हूँ जो आपको अपने हॉस्पिटल बैग में रख लेनी है, मतलब अपने साथ जैसे आपको लिवर पेन आता है वो चीज़ें लेकर जानी है, जिससे कि जब आपकी डिलीवरी होती है, चाहे डिलीवरी आपकी नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, आपको दोनों तरीके से ही सोचकर अपने हॉस्पिटल बैग को तैयार करना चाहिए। बच्चे से जुड़ी हुई, अपने खुद से जुड़ी हुई चीज़ों को पहले से ही हॉस्पिटल बैग में रखना शुरू कर देना चाहिए। तो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, किस वीक में आपको हॉस्पिटल बैग अपना तैयार करना चाहिए, सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो मेरा नाम है फ्रेंड्स रेशु, और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में एंड आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशूज ब्लॉग्स में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। फ्रेंड, जैसे आपका नौवा महीना लग जाता है तो एक हफ्ते के बाद कभी भी आपको लेबर पेन शुरू हो सकता है, क्योंकि 36 वीक जब महिलाओं का कंप्लीट हो जाता है तो 37 वीक में अगर लेबर पेन आ भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई महिलाओं का लेट भी हो जाता है, 38, 39 या 40 वीक में लेबर पेन आता है, लेकिन लेबर पेन आने की जो एक क्लियर टाइमिंग है वो डिसाइड नहीं होती है कि आपको किस दिन लेबर पेन आएगा, किस वीक में आएगा, ये आपका खुद डॉक्टर भी नहीं बता सकता आपको। इसीलिए जैसे आपकी प्रेगनेंसी का 36 वीक कंप्लीट होता है आपको अपना हॉस्पिटल बैग तैयार करना शुरू कर देना चाहिए। तो कौन कौन सी चीज़ें आपको अपने हॉस्पिटल बैग में रखनी है, जल्दी से हम जान लेते हैं। पहली चीज़ है, एक महीने से लेके 9 महीने तक जितने भी आपके चेकअप हुए हैं, अल्ट्रासाउंड हुए हैं, टेस्ट हुए हैं, सब कुछ, आपकी स्लिप, सारी रिपोर्ट्स, सब कुछ आपको एक फाइल में प्रिपेयर कर लेना है, मतलब एक फाइल आपको रख लेनी है, उसमें सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को रख लेना है, और वो फाइल सबसे पहले अपने हॉस्पिटल बैग में आपको रखना है, क्योंकि जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है तो डॉक्टर 1 से लेकर 9 महीने का पूरा रिकॉर्ड चेक करते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन रही, क्या दिक्कत रही, सब कुछ क्लियर होने के बाद डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी का डिसीजन लेते हैं। लेकिन अगर किसी भी तरीके की रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम होती है, लाइक आपका जो लास्ट अल्ट्रासाउंड हुआ है तो उसमें अगर किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो डॉक्टर फिर आपको क्लियर कर देते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसलिए रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है, आपको अपने से जुड़ी हुई भी कुछ चीज़ें रखनी है, जैसे कि आपको नर्सिंग ब्रा एंड पैंटी रखनी है। अब जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो आप 24 घंटे में ही घर आ जाओगे, लेकिन अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हो जाती है तो आपको 3 से 4 दिन का टाइम लग सकता है। इसलिए आपको कम से कम 3 से 4 नर्सिंग ब्रा और 3 से 4 पैंटी अपने हॉस्पिटल बैग में ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि ब्लीडिंग होती है तो पैंटी गंदी हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए एक्स्ट्रा में आप लेकर चलें। इसके बाद एक तीसरी चीज़, आपको सैनिटरी पैड्स एंड ब्रेस्ट पैड भी अपने हॉस्पिटल बैग में ज़रूर रखना चाहिए। सैनिटरी पैड्स तो आपको पता ही है कि आपकी जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है डिलीवरी के बाद तो काम आएंगे। सैनिटरी पैड में आप जो मैटरनिटी पैड आते हैं उनको रखें, नॉर्मल जो सैनिटरी पैड होते हैं उनको मत रखें, ठीक है। साथ में ब्रेस्ट पैड भी रखें। ब्रेस्ट पैड क्यों, मतलब ब्रेस्ट मिल्क अगर लीक होता भी है तो वो ब्रेस्ट पैड से काम चल जाएगा, आपके कपड़े खराब नहीं होंगे। तो ये दो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद है चौथी चीज़, आपको 2 से 3 गाउन भी रख लेने चाहिए अपने लिए, जो फुल कवर बॉडी करते हैं उस तरीके के गाउन भी आपको रख लेना चाहिए, एंड जिनमें फ्रंट जिप हो या फ्रंट बटन हो, जिससे कि आप इजीली बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा पाएँ। गाउन के साथ आप 1-2 जैसे कि सॉफ्ट कॉटन के दुपट्टे टाइप के जो होते हैं, स्टॉल जिनको बोला जाता है, वो भी रख सकते हो। जैसे कि आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, डॉक्टर राउंड पर आते हैं तो आप कवर कर सको, ठीक है, तो उसके लिए भी आप 2-3 दुपट्टे लेकर कॉटन के जरूर चलें, जैसे कि बाय द वे बच्चे को ढकना है तो वो उसके काम भी आ जाते हैं। एंड इसके बाद है पांचवी चीज़, आपको अपने बच्चे के लिए एक डायपर का बड़ा पैक भी रख लेना चाहिए,
क्योंकि जैसे ही बेबी बॉर्न होता है आप बेबी को डायपर पहना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा जब बॉर्न होता है तो अजीब तरीके की काली चिपचिपी टाइप की पॉटी करता है एंड बार बार करता है, तो आपको डायपर की नीड हो सकती है वहाँ पर। अगर आप डायपर नहीं रखना चाहते, अगर आप चाहते हो कि हॉस्पिटल में आप नैपी धो सकते हो, कर सकते हो, मतलब आपके साथ कोई है तो आप कॉटन नैपी भी रख सकते हो, लेकिन डायपर भी आपको जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जब आपकी डिलीवरी होगी बच्चे को अगर पहनाना होगा तो डॉक्टर डायपर ही प्रेफर करेंगे। इसलिए आप घर से ही अपने बच्चे के लिए डायपर लेकर चले। डायपर पर मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है, आप वो डायपर भी खरीद सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके बाद है छठवीं चीज, आपको अपने बच्चे के लिए डायपर रैशेस क्रीम भी रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे को जब आप डायपर पहनाते हो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है बच्चे की स्किन, तो डायपर रैशेस होने के भी चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए डायपर अगर आप पहना रहे हो तो डायपर रैशेस क्रीम भी आपको बच्चे को जरूर यूज़ करनी चाहिए। तो एक डायपर रैशेस क्रीम आप अपने हॉस्पिटल बैग में जरूर रखें। इसके बाद इस सातवीं चीज़, आपको अपने बच्चे के लिए बेबी लोशन एंड बेबी क्रीम और साथ में एक मिल्क बॉटल, फीडिंग बॉटल भी जरूर रख लेनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है डिलीवरी जब होती है तो बहुत सी महिलाओं में इंस्टेंट दूध नहीं आता है, मतलब ब्रेस्ट में मिल्क नहीं बन पाता है। सीजरियन डिलीवरी हुई है तो कम से कम 24 घंटे बाद ब्रेस्ट मिल्क आता है, तो ऐसे में नर्सेज जो होती हैं वो बच्चे को बॉटल फीड कराती हैं, तो एक छोटी सी बॉटल आप अपने हॉस्पिटल बैग में, फीडिंग बॉटल जो बच्चों की होती है वो जरूर रखें, काम आएगी। इसके बाद है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, वो है आठवीं चीज़ कि आपको अपने बच्चे के लिए जो कपड़े लेने हैं इस टाइम पे वो बिल्कुल कॉटन के ही लेने हैं, 100% कॉटन के लेने हैं, जो कि बच्चे के लिए कंफर्टेबल रहें, लेकिन फुल स्लीव से आपको सारे कपड़े बच्चे के लिए परचेज करने हैं। बारिश का मौसम है तो ऐसे में क्या होता है मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप नहीं चाहोगे कि बच्चे को मच्छर काटे, मच्छरों से बचा के भी आपको रखना पड़ेगा। इसलिए बच्चों के लिए जो भी कपड़े आप खरीदते हो वो फुल स्लीव से खरीदें, साथ में बच्चे के लिए आप सॉक्स भी खरीदें, क्योंकि जब बच्चा बॉर्न होता है तो बच्चे की बॉडी पर बाहरी हवा नहीं लगनी चाहिए, तो बच्चे के लिए सॉक्स खरीदें एंड बच्चे के लिए एक कॉटन का कैप भी खरीदें, क्योंकि बच्चे का सर भी कवर करना होता है, ठीक है, तो एक कॉटन का कैप खरीद लीजिए जिससे कि आप सर को कवर कर सको। एंड इसके बाद है नौवीं चीज़, बच्चों के लिए मार्केट में काफ़ी सारे मॉस्किटो नेट आते हैं, जो बेड भी होते हैं एंड उनके ऊपर मॉस्किटो नेट भी लगा होता है, तो वो भी आप परचेज कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो उसमें आप बच्चे को इजीली लेटा सकते हो एंड उसके ऊपर मॉस्किटो नेट लगा होता है, तो बच्चा आसानी से मच्छरों से बचा रहता है, तो वो भी आप एक अपने हॉस्पिटल बैग में जरूर रखें, ये हॉस्पिटल में आपके बहुत काम आएगा। एंड बच्चा जब तक 5-6 महीने का नहीं हो जाता है तब तक आप इजीली बच्चे को उसमें लेटा के रख सकते हो और मच्छरों से बचा सकते हो। इसके बाद है दसवीं चीज, जैसे कि हॉस्पिटल में सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि डिलीवरी के बाद होंठ ना आपके बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, बॉडी बहुत ज़्यादा रफ़ होने लगती है, तो कुछ अपने लिए लोशन वगैरह, लिप बाम, कॉम एंड अपने लिए एक जोड़ी स्लीपर भी आप जरूर रखें, क्योंकि वॉशरूम वगैरह यूज़ करना होता है हॉस्पिटल में, थोड़ा वॉक भी आपको करना होता है, तो वो आपके काम आएंगी। साथ में आप चाहो तो एक सोप भी रख सकते हो, जैसे एक छोटा सा सोप रख लीजिए आप कपड़े वाला एंड एक बॉडी वाला, जैसे कि वहाँ पे अगर बच्चे की नैपकिन वगैरह धोनी पड़ती है, हैंड वॉश ही नॉर्मली करना है, तो वो सोप काम आएंगे। इसके बाद है ग्यारहवीं चीज़ और लास्ट चीज़, अपने साथ कैश लेकर ज़्यादा ना चलें, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा रश होता है, भीड़ भाड़ होती है, कैश कहीं आपका चोरी ना हो जाए, मिस ना हो जाए, तो इसीलिए ज़्यादा कैश लेकर हॉस्पिटल में ना जाएं। आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हो, आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट का ज़माना है, तो आपको कैश लेकर ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये 11 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अपने हॉस्पिटल बैग में ज़रूर रखने चाहिए। सो आई होप ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, तो जल्दी से आप अपना हॉस्पिटल बैग तैयार करना शुरू कर दीजिए अगर आपका भी 36 वीक कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ। आप अपना टॉपिक भी मुझे कॉमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो। बाय, थैंक यू।